पंजाब नेशनल बैंक मनासा से किसान कवरलाल पिता नंदा धनगर उम्र 52 वर्ष निवासी ग्राम हथुनिया थाना कुकरेश्वर किसान क्रेडिट कार्ड से 7,50,000 रुपए निकाल कर मनासा से अपने गांव जा रहे थे। बैंक से बाहर निकलकर कवरलाल अपने लड़के भेरूलाल धनगर को 9,000 रुपए देकर बाजार में दवाई वाले व ट्रैक्टर पार्ट्स वाले की उधारी जमा करने के लिए भेज दिया और शेष रुपये 7,41,000 रुपये लेकर बैंक से बाहर भरका देवी आइसक्रीम की दुकान पर एटीएम के पास बैठकर अपने लड़के भेरूलाल का इंतजार कर रहे थे। उसी दौरान कवरलाल पर बदमाशों द्वारा कपड़े पर मैला डाल दिया, जिसे वह दुकान के बाहर रखे कैंपर के पानी से धोने लगे। इतने में बदमाश उनको चकमा देकर बैग में रखे रुपयों को चुराकर भाग गए। घटना को चुनौती के रूप में लेकर पुलिस अधीक्षक नीमच सूरज कुमार वर्मा द्वारा उक्त घटना को हर हाल में ट्रेस कर किसान का पैसा बरामद करने के निर्देश दिए गए। उक्त घटना का समय पर फॉलोअप लिया गया, जिसके पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुंदर सिंह गणेश SDOP मनासा यशस्वी शिंदे के मार्गदर्शन में मनासा टीम द्वारा लगातार कड़ी मेहनत और हर संभव प्रयास किए गए। मनासा पुलिस द्वारा लगातार और प्रयास करने पर उक्त घटना में 3 आरोपी नामजद किए गए, जिनके नाम शुभम पिता कुंदन सासी उम्र 20 वर्ष निवासी कड़िया थाना कोड़ा जिला राजगढ़, ऋषिकेश पिता प्रताप सासी उम्र 30 वर्ष निवासी फुलखेड़ी थाना बूढ़ा जिला राजगढ़, ऋषि पिता अनूप सासी उम्र 29 वर्ष निवासी कड़िया थाना बूढ़ा जिला राजगढ़ के को नामजद किया गया, जिनको गिरफ्तार करने और उनसे चोरी किए रुपए बरामद करने के लिए नीमच पुलिस अधीक्षक द्वारा राजगढ़ पुलिस अधीक्षक अवधेश गोस्वामी से संपर्क किया गया, जिनके द्वारा थाना प्रभारी बूढ़ा को नीमच पुलिस का हर संभव सहयोग कर हाल में किसान के क्रेडिट कार्ड के ऋण के चोरी किए गए रुपये बरामद करने के निर्देश दिए गए। टीम द्वारा लगातार घटना में संलिप्त आरोपी शुभम को, वहीं आरोपी ऋषिकेश पिता प्रताप सासी, वहीं अनूप सासी उम्र 29 वर्ष निवासी कड़िया थाना बूढ़ा जिला राजगढ़ के कब्जे से उनके घर से 6,55,000 रुपए बरामद करने में सफलता मिली। आरोपियों की गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक नीमच द्वारा इनाम घोषित किया गया, इनको शीघ्र गिरफ्तार किए जाने के प्रयास जारी हैं। मनासा से शब्बीर हुसैन की रिपोर्ट।